हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और ये जो टॉपिक है ये हमारा कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 27। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपसे सेक्शन 22 पर्संस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इनका जो वीडियो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप जाकर के ये सारे वीडियोज वहां पर देख सकते हो और अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से हर एक टॉपिक यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पर पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक बार जाकर के उसको देख लो, उसके बाद फिर आप आकर के यहाँ पर ये वाले वीडियो को देखो। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है। देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसका इंडिया के किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब यहाँ पर वो अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेकिन ये पर्सन क्या करता है, ओकेजनली जाता है किसी और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में और यहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी पर्सन का फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस किसी और स्टेट में है और वो टैक्सेबल सप्लाई जाकर के किसी और स्टेट में करना चाहता है और ये ओकेजनली करना चाहता है, मतलब ये जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ही ओकेजनली आया है अपना टैक्सेबल सप्लाई करके, ये वापस अपनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे चला जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ओकेजनली आया है किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करने के लिए, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो सीटीपी के स्टेटस पे उसको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्टेन करना पड़ेगा प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये होता है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पर आपसे यही बोला गया है कि व्हेन अ पर्सन हैज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया बट वॉन्ट्स टू अफेक्ट सप्लाईज फ्रॉम सम अदर स्टेट इन विच ही डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सच पर्सन नीड्स टू रजिस्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह उसको अपना रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में करवाना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर बोले सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये जो सप्लाई वो करने वाला है ना, मतलब जो अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जाके वो सप्लाई कर रहा है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं कि हवा में उसने ऐसे ही कर दिया, अपने बिजनेस को ही बढ़ाने के लिए वो ये टैक्सेबल सप्लाई करना चाह रहा है। और यहाँ पर बोल रहे हैं वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो चाहे वो एज एन एजेंट करे, चाहे वो एज अ प्रिंसिपल कर रहा है या फिर किसी और कैपेसिटी में अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करने वाला है इस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जहां पर उसके पास में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसके बाद में यहां पर ये बोला है ही कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर कॉम्पोजिशन लेवी के अंडर में वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें तो ये बोला है मिस्टर समीर इज एंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, मतलब मिस्टर समीर जो है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड ऑलरेडी, ही विशेज टू पार्टिसिपेट इन अ 5 डेज बिजनेस एग्जीबिशन बींग हेल्ड इन यूपी, तो यूपी में एक एग्जीबिशन हो रहा था वहां पर वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। However, he does not have a fixed place of business in UP. In this case, Mr. Sameer has to obtain registration as a casual taxable person in UP. इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बात करी कि पर्सन जो था अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसका क्या था कि इंडिया में किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस था और वो किसी और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जाकर के टैक्सेबल सप्लाई करना चाहता था, तो वहां पर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसी तरीके से बात आती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक फॉरेनर होता है जिसका इंडिया के अंदर में कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। वो क्या करता है, इंडिया में आता है, इंडिया की किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में यहां पर वो अपना टैक्सेबल सप्लाई करना चाहता है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में एज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो इसमें देखिए यहां पर यही बोला गया व्हेन अ पर्सन हु इज अ फॉरेनर ओकेजनली वॉन्ट्स टू इफेक्ट टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया ही नीड्स टू रजिस्टर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसके बाद जो सीजीएसटी एक्ट है हमारा उसने भी डिफाइन किया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। ये बोल रहा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एज एनी पर्सन हु ओकेजनली
undertakes transaction involving supply of goods or services or both, whether as a principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. क्योंकि foreigner है तो उसका इंडिया के अंदर में कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अगर आप देखो तो उसका इंडिया के अंदर में कहीं ना कहीं पे फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस था, लेकिन एनआरटीपी के केस में ऐसा नहीं होता, उसका इंडिया में कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। इसके बाद में लास्ट वही बात बोलेगी कि जो एनआरटीपी होता है वो अपने आप को कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर में रजिस्टर नहीं कर सकता, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग पे नहीं कर सकता टैक्स को। अब देखिए जो भी हमने डिस्कशन किया सीटीपी या फिर एनआरटीपी का, तो उससे दो बातें निकल के आती हैं। पहली जो बात है वो कह रही है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही अंडरटेक सप्लाई, दो ही माइट बी रजिस्टर्ड विद रिगार्ड टू हिज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन सम अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करना चाह रहा था ओकेजनली, वहां पर तो उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन किसी और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर में है। लेकिन एनआरटीपी के केस में आपने देखा कि एनआरटीपी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया एट ऑल, तो मतलब उसका इंडिया के अंदर ही कहीं पर भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर रेजिडेंस नहीं था। दूसरी बात यहां पर यह होती है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ही हैज टू अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वेयर एज द बिजनेस टेस्ट इज एबसेंट इन द डेफिनेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ओकेजनली अंडरटेक कर रहा था अपनी टैक्सेबल सप्लाई को किसी और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा था, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में ऐसा नहीं होता कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है, उसमें ये चीज जो होती है वो एबसेंट होती है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्पेशल प्रोविजन रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए हैं फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी को। फर्स्ट पॉइंट में यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैव टू कंपल्सरली रजिस्टर्ड। ये मैंने आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला जो वीडियो था सेक्शन 24, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ता है इररिस्पेक्टिव इनका एग्रीगेट टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है। और यहां पर ये रजिस्ट्रेशन जो है अपना कब तक करवाएंगे, एट लीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे बाकी के जो इतने भी जो पर्सन होते हैं उनके लिए 30 days का टाइम दिया जाता है कि मतलब जिस डेट से वो लायबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन उससे लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है। लेकिन सीटीपी और एनआरटीपी के केस में क्या होता है कि जिस दिन मतलब जिस भी डेट से ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि टैक्सेबल सप्लाई करने वाले हैं उससे एटलीस्ट 5 days पहले इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 6, सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन याद है आपको, और सबसेक्शन 6 जो है वो बात करता है पैन कार्ड की कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके पास में पैन होना चाहिए। तो यही बात यहां पर लिखी है एवरी पर्सन मस्ट हैव अ पैन टू बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब लेकिन देखिए यहां पर क्या होता है कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है वो फॉरेनर है तो नॉर्मली उसके पास में पैन कार्ड नहीं होगा, तो क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे? तो यहां पर यही बोला गया सिंस एनआरटीपी विल जनरली नॉट हैव पैन ऑफ इंडिया ही मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर एनआरटीपी के पास में पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास में अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट वो सबमिट करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो ले सकता है। अब यहां पर बात आती है कि अगर एनआरटीपी पैन कार्ड अपना सबमिट नहीं कर रहा है तो कौन सी अदर डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर सकता है? तो यहां पर वो सबमिट करेगा अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज वैलिड पासपोर्ट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन साइंड बाय हिज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु इज एन इंडियन रेजिडेंट हैविंग अ वैलिड पैन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमसे बोल रहा है हाउएवर इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद इट्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और इट्स पैन इफ अवेलेबल। तो अगर कोई एंटिटी ऐसी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में उनको अपना टिन नंबर जो होता है वो भी यहां पर सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसके बाद लास्ट में यहां पर बोला जा रहा है कि जो एनआरटीपी है वो डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन यहां पर जो सीटीपी की बात होती है सीटीपी के लिए नॉर्मल जो फॉर्म होता है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म है वो उसी में करता है, लेकिन जो एनआरटीपी है उसके लिए एक डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसी के थ्रू वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमसे बोला है पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी और एनआरटीपी। मैंने आपसे ये बताया कि जो सीटीपी और एनआरटीपी होते हैं ये ओकेजनली आते हैं किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करने के लिए, और ओकेजनली अगर आए तो इसका मतलब वो कुछ टाइम बाद वापस भी चले जाने वाले हैं। तो इनका जो सर्टिफिकेट इनको ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन का उसकी पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या होगी,
उसकी बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो ये बोला है पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करते टाइम पे सीटीपी और एनआरटीपी ने जितना भी पीरियड स्पेसिफाई किया है उतने पीरियड तक उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से भी उनका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आया उससे लेकर के 90 डेज तक। तो इन दोनों डेट्स में कौन सी डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उतनी डेट तक उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब देखिए यहां पर जो 90 डेज का टाइम दिया गया है ये मैक्सिमम टाइम है, मतलब इससे ज्यादा इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर ये चाहे तो इस डेट को ये एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एंड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू। तो जब भी उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने वाली है उसके पहले अगर वो एप्लीकेशन दे देते हैं तो उनका जो ये टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड भी हो सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। इसके बाद लास्ट में यहां पर बोला है सीटीपी एंड एनआरटीपी विल मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो जब भी वो कमेंस करने वाले हैं बिजनेस तो उससे लेकर के 5 दिन पहले उनको अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब इश्यू हो जाएगा उनको उसके बाद ही वो अपना टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट इशू होने के पहले ही उन्होंने टैक्सेबल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स की। तो आपको पता है मैंने आपको बताया था प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में कि सीटीपी और एनआरटीपी को एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स का। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सीटीपी एंड एनआरटीपी आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड फॉर विच द रजिस्ट्रेशन इज सॉट। तो मतलब अभी हमने बात करी यहां पर कि पीरियड जो उन्होंने जो स्पेसिफाई करेंगे वो या फिर 90 डेज तक उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा, तो जितने भी टाइम तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है उतने टाइम पीरियड के बीच में उनकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसी को हम एस्टिमेट करेंगे और उसी के बेसिस पे उतना अमाउंट वो एडवांस डिपॉजिट करेंगे टैक्स का। इसके बाद यहां पर सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं सीटीपी एंड एनआरटीपी विल गेट अ टेम्पररी रेफरेंस नंबर फॉर मेकिंग एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। तो यहां पर क्या है कि जब अभी जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था उसका रजिस्ट्रेशन का, वहां पर मैंने आपको ये बताया कि जब वैलिडेट आप कर लेते हो अपनी सारी की सारी डिटेल को, मतलब पैन कार्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद आपको टीआरएन इशू होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर इशू होता है। इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बेसिस पे आप फॉर्म का पार्ट बी जो होता है वो फिल करते हो, लेकिन जो सीटीपी और एनआरटीपी होते हैं इनको टेम्पररी रेफरेंस नंबर इशू होने के बाद में इनको एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स का, ठीक है, उसको करने के बाद ही अपना पार्ट बी जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद फिर इनका जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहां पर यही बात बोली गई है। इसके बाद में लास्ट में यहां पर यही बोला गया कि अगर एक्सटेंशन करवाया गया है टाइम पीरियड का तो जितना भी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी होगी वो भी उनको अलग से डिपॉजिट यहां पर एडवांस में करनी पड़ेगी। यहां पर हम लोगों ने जो भी स्पेशल प्रोविजंस थे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी वो डिस्कस कर लिए। कहीं पर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।